हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए करंट अफेयर का एक और नया सेट पेपर। दोस्तों, इस सीरीज में हम 2019, 2020 और 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और ये इस सीरीज का पार्ट 22 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना को शुरू किया गया। इस परियोजना को 28.50 यानी कि 28.5 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया और इसका उद्घाटन किया हमारे वर्तमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका डेनियल मेडवेडेव। दोस्तों याद रखिएगा, डेनियल मेडवेडेव ने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता। यहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि डेनियल मेडवेडेव किस खेल से संबंधित हैं, तो ये भी याद रखिएगा, और साथ ही साथ ये किस देश के हैं, तो दोस्तों ये हैं रूस के। कहां के? रूस के। और इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर ये खिताब जीता। और दोस्तों ये टेनिस के प्लेयर हैं। क्या खेलते हैं ये? टेनिस। किस राज्य ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा, परिवर्तनम योजना की शुरुआत की गई है केरल राज्य सरकार द्वारा। केरल राज्य सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग प्राप्त हुआ? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है असम। याद रखिएगा, असम राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग प्राप्त हुआ। GI इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि हिंदी में कहें तो भौगोलिक संकेत। बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल। किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा, प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। राज साथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नामक उपन्यास किसने लिखा है? सही आंसर इसका ससेंद्रन कल्लीकेल। याद रखिएगा, राज साथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नामक उपन्यास इसके लेखक हैं ससेंद्रन कल्लीकेल। प्रधानमंत्री मोदी ने किस मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसका राइट आंसर है शिपिंग मंत्रालय। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहाज रानी यानी कि शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटर बेज करने की घोषणा की। पुस्तक थवास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंसेस ऑफ रामायणा किसने लिखी है? सही आंसर है इसका रल्लावंदी श्रीराम चक्रधर यानी कि ऑप्शन सी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? आंसर है इसका जो बाइडन। याद रखिएगा, जो बाइडन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। याद रखिएगा, ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। इन्होंने जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराया था दोस्तों। और याद रखिएगा, साथ ही साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी। अमेरिका की राजधानी है दोस्तों वॉशिंगटन DC। हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका अभिजीता गुप्ता। दोस्तों अभिजीता गुप्ता को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की? राइट आंसर इसका SBI बैंक। दोस्तों SBI बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1955, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में पैट्रिसिया बाथ का निधन हुआ, वे कौन थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका नेत्र रोग विशेषज्ञ, याद रखिएगा इन्होंने मोतियाबिंद के इलाज का आविष्कार किया था, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, पैट्रिसिया बाथ। 2019 में फिट इंडिया स्कूल रेटिंग सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, यानी कि ऑप्शन सी। वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर है इसका दोस्तों टेरी जॉन्स, याद रखिएगा टेरी जॉन्स को वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2019 से सम्मानित किया गया। इनका एक उपन्यास है दोस्तों जिसका नाम है एन अमेरिकन मैरिज, इस उपन्यास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। 2019 में किस देश ने समुद्री जहाज से रॉकेट का सफल परीक्षण किया? सही आंसर है दोस्तों इसका चीन, यानी कि ऑप्शन डी। दिसंबर 2019 में पृथ्वीराज सिंह रूपन किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए थे? सही आंसर है दोस्तों इसका मॉरिशस, याद रखिएगा दिसंबर 2019 में पृथ्वीराज सिंह रूपन को मॉरिशस का नए राष्ट्रपति चुना गया, याद रखिएगा मॉरिशस की राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए, इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। 2019 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या रहा? आंसर है इसका बीट एयर पॉल्यूशन 2019 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम रहा। दोस्तों एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को इसे मनाया जाता है। प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर है इसका केरल। हमारे वर्तमान केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 11.57 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इसे पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत बनाया गया है। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV-C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका 10। इसरो, सबसे पहले इसरो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV-C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया। दोस्तों PSLV इंपॉर्टेंट रहता है इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बात करते हैं इसरो की, तो इसकी स्थापना की गई 1969 में, मुख्यालय बेंगलोर। संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आरंभ हुआ? सही आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा, याद रखिएगा उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिन तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच शुरू हुआ था। उद्देश्य, सेनाओं द्वारा मुंबई हमले जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इसका अभ्यास किया गया। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।